आज मैं आपको सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर के बारे में बताने जा रहा हूँ। गुजरात के शहर के अहमदाबाद के 6 वर्षीय निवासी अरहम उम्तल सानिया दुनिया के सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर बन गए हैं। अरहम उम्तल सानिया ने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की परीक्षा में सबको पछाड़कर विश्व के सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। जिस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अरहम ने पास किया उसके सवाल बहुत ही कठिन होते हैं। इस लैंग्वेज की एग्जाम बड़े बड़े इंजीनियर भी पास नहीं कर पाते। इन्होंने 1000 में 900 मार्क हासिल किए। अरहम उम्तल सानिया कक्षा 2 में पढ़ते हैं और उन्होंने पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश छात्र मोहम्मद हमजा शहजाद द्वारा कायम के रिकॉर्ड को तोड़ा है। अरहम ने बताया कि इस मुकाम को हासिल करने में उनके पिता का अहम रोल है क्योंकि उनके पिताजी ने ही उन्हें कोडिंग सिखाई। भारत को अगले महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भिड़ना है। इस बड़े मैच को खेलने के लिए टीम इंडिया ने पिछले 2 साल से कड़ी मेहनत की है। भारत की इस कामयाबी में दिग्गज स्पिनर रविचंद्र अश्विन का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्र अश्विन आगामी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बनने में महज 4 विकेट दूर हैं। भारत को 18 जून से 22 जून तक इंग्लैंड में न्यूजीलैंड के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है और अश्विन वहां यह उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। अश्विन से आगे अभी ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस हैं जिनके खाते में 70 विकेट हैं। कमिंस ने ये विकेट 14 टेस्ट मैचों में चटकाए हैं जबकि अश्विन ने 13 टेस्ट मैचों में 67 विकेट दर्ज किए हैं। अश्विन अगर प्लेइंग 11 में खेलते हैं तो एक बार फिर से सबकी नजरें उन पर रहेंगी। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टीम साउदी 10 मैचों में 51 विकेट के साथ 3रे नंबर पर है और उन्हें टॉप पर पहुँचने के लिए 20 विकेट लेने होंगे जो कि संभव सा लग रहा है।